वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे जी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की एक वीडियो कल अपलोड हो गई थी, अब हम बात करेंगे जी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन ही चलेगा इस वीडियो के अंदर भी, ठीक है। तो सबसे कल हमने बात करी थी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी जी। अब दोबारा देखो आप इसमें कुछ ही थे। इस टॉपिक से जो आज का पार्ट है इससे क्वेश्चन पक्का बनता है जी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया ए, इसका क्या नाम रख लिया आपने सी, यानी समकोण त्रिभुज बना लिया जिसपे बी कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का, यानी बी एंगल कितने डिग्री का जी 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी जी। अब आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना दिखाता हूं मैं इन टर्म ऑफ ए, यानी कि मैं वैल्यू बताता हूं आपको। साइन ए की कितनी होगी, कोस ए की कितनी होगी, टेन ए की कितनी होगी, इसके बाद आपकी कोसिकेंट ए की कितनी होगी, कोसेक ए की कितनी, कोसिकेंट होता है पर कोसेक बोलते हैं इसको, या सिकेंट ए, सेक ए की कितनी वैल्यू होगी, टेन का उल्टा कोट ए यानी कोटेंजेंट ऑफ ए की कितनी वैल्यू होगी, इन सब की वैल्यू ए के टर्म में बात करें। कल हमने फॉर्मूला याद करो जो याद करा था, कल वाली बात पर आओ। जो एंगल निकालना है अब आपको ए ए ए हर जगह क्या निकालना है ए, तो जो एंगल निकालना है उसको मार्क कर लिया, उसके ठीक सामने वाला होता है जी परपेंडिकुलर। क्या होता है ठीक सामने वाला, परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं जी, लंब। समझ आ गई बात। 90 डिग्री ये एंगल है कि नहीं, 90 डिग्री का, 90 के ठीक सामने, 90 के ठीक सामने वाली साइड ये होगी कि नहीं होगी, ये होती है हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच, हिंदी में कह देते हैं इसको करण। यहां तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है जी। नीचे वाली जो बच की तीसरी साइड वो कहलाती है बेस, यानी हिंदी में कह देते हैं इसको आधार। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं हिंदी में लिख रहा हूं। कल एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा अच्छे से, एस सी टी लाल बटा कक्का। हिंदी में तो हमने बात करी थी एस सी टी लाल बटा कक्का, और इंग्लिश में हमने बात क्या करी थी जी, एस सी टी पी बी पी एच एच बी। याद होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कोई सा भी ट्रिक आप यूज कर सकते हो, इनको याद करने के लिए। यानी कि एस एस से मैंने बताया था कल आपको साइन होता है जी, क्या होता है एस से साइन, तो साइन के नीचे क्या है, एस के नीचे क्या है, पी बटा एच। साइन किसके बराबर होता है, पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण जी। आगे बात यहाँ पे आपको समझ में। अब साइन की वैल्यू बताओ, साइन ए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी जी, बी सी। परपेंडिकुलर ये है कि नहीं पी, इसका नाम क्या है बी सी। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना होगा ए सी। तो साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई जी सबको, कोई दिक्कत यहां तक। अब कोस ए के लिए, कोस के लिए क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटा क्या होता है कर्ण। आधार कितना है इसका ए बी, बेस कितना है इसका ए बी, बटा कर्ण कितना है इसका, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी। तो कोस ए कितना हो जाएगा ए बी बटा ए सी। यहां तक कोई डाउट जी किसी। टेन पे आओ, टेन किसके बराबर होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी, यानी कि लंब बटा क्या होता है आधार। लंब कितना है, पी कितना है आपके पास बी सी है, आधार कितना है ए बी है जी, कोई डाउट यहां पर। ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, टेन ए की, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे याद होगा, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है जहां तक, कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, यानी इसका उल्टा कर दो, यानी ए सी चला जाएगा ऊपर, बी सी आ जाएगा नीचे। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है, कल बताया था सिकेंट, यानी इसका उल्टा कर दो, ए सी चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा ए पी। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, बताओ उल्टा करो, ऊपर आ जाएगा ए बी, नीचे क्या आ जाएगा बी सी। ये हो गया जी टेन ए के क्रम में सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है जी, अब हम सी की टर्म में निकालेंगे, किसकी टर्म में, यहां तक किसी को कोई डाउट जी,
ये साइन ए कोस ए टेन ए सिकेंट ए कोसिकेंट ए और कोट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने बात कर ली है जी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सी के टर्म में अगर नहीं समझ आ रहे ना तो वीडियो को बार बार देखें जी, बार बार देखोगे तो वो चीज रिपीट होती रही। अब देखो नेक्स्ट, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल ले ली, इस पॉइंट का नाम रख लिया ए, इसका पॉइंट का नाम रख लिया बी, इसका पॉइंट का नाम क्या रख लिया सी। अब हम निकालेंगे सी, अब हम क्या निकालेंगे सी, ये ट्रायंगल ही है पर ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ये त्रिभुज लिया ये एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेगा। अब हम सी की टर्म में वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि अब आपको जो वैल्यू निकालनी है साइन सी की निकालनी है, कोस सी की निकालनी है, बी कभी नहीं पूछेगा, जिस पे 90 होगा वो कभी नहीं पूछा जाएगा, बाकी के जो दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट का मतलब न्यून कोण होंगे 90 डिग्री से कम, उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले जाएंगे आपको 10th लेवल तक, आगे हो सकता है और कुछ पूछा जाए, 10th लेवल तक इतना ही रहेगा। साइन सी कोस सी, एक साइन सी की वैल्यू निकालनी है, एक किसकी वैल्यू निकालनी है कोस सी की, एक और वैल्यू किसकी निकालनी है टेन सी की, यहां तक कोई डाउट। एक इनके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट सी, और कोस का उल्टा क्या होता है सिकेंट सी, और आपका टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट सी, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये क्वेश्चन अब देखो जी, काम वही करना है आपको, अब थोड़ा सा ये फर्क हो गया, एंगल ये है, अब की बार एंगल क्या है ये है, तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो अब की बार परपेंडिकुलर यानी लंब ये बन जाए, डाउट। एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, तो सी निकालना है की बात, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी 90 डिग्री के सामने जो होता है 90 डिग्री का एंगल ये है कि नहीं है, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ये हो जाएगा एच, बाकी जो बच गया वो हो गया बेस यानी कि आधार। यहां तक कोई डाउट जी, बोलो कोई डाउट आया क्या यहां तक, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो कि जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है, बाकी बच गया वो बेस आधार होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है एस सी टी पी बी पी बटा एच एच बी, यहां तक कोई डाउट, या हिंदी में बात करूं तो एस सी टी लाल बटा कक्का, कोई डाउट। अब देखो वैल्यू हमें निकालनी है साइन की, साइन किसके बराबर होगा पी बटा एच, पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा क्या होता है साइन, एस के नीचे क्या लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है जी। तो बताओ लंब कितना है यहां पर, लंब की वैल्यू कितनी है यानी परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी है ए बी, तो यहां क्या आएगा आपका ए बी, बटा क्या आ जाएगा एच, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी, कितना है ए सी, कोई डाउट। अब कोस सी की वैल्यू निकालो, कोस किसके बराबर होगा बी बटा एच, सी के नीचे क्या है बी बटा एच, देख लो यानी कि ए बटा के आधार बटा कर्ण या बेस बटा हाइपोटेन्यूस, आधार कितना है बी सी है, कर्ण कितना है ए सी है, टेन बच गया, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है परपेंडिकुलर, आधार कितना है बी सी है, कोई डाउट जी यहां तक। अब इनके उल्टे कर दो, कोसिकेंट सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा क्या जाएगी ए बी, यहां तक कोई डाउट। सिकेंट सी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, सिकेंट है सी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो सिकेंट सी इसका उल्टा कर दो ए सी बटा बी सी, ए सी कोट सी इसका उल्टा कर दो बी सी बटा ए बी, यहां तक कोई डाउट जी। ठीक है, ये थी आपकी साइन सी कोस सी टेन सी कोसिकेंट सी सिकेंट सी कोटेंजेंट सी, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, तो आप इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो जी, समझ आ गई। एक बात आप नोट करो, तो यहां से एक बात नोट कर सकते हो आप, क्या जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने क्या निकाले थे, त्रिकोणीय मिति अनुपात निकाले थे, क्या निकाले थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले, साइन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोस सी, ये क्या होते हैं जी। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट
एंगल इज या एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा जी, चाहे साइन सी देख लो चाहे कोस सी देख लो, सारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणीय मिति अनुपात हैं, ये क्या होंगे जी ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने पहले बताया जो 90 डिग्री से कम हो, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री से कम मिलेंगे आपको एक्यूट एंगल होंगे जी। किसके? राइट एंगल के। ये राइट एंगल बनाई कि नहीं बनाई? क्या होता है जी इस एक्सप्रेस, उसको कैसे लिखा जाता है जी, लिखा जाता है कि क्या रिलेशन है एंगल के बीच में और लेंथ ऑफ साइड की, साइड की जो लेंथ है उनके बीच में। यानी एंगल सी का हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला तो इस साइड हमने साइड का रेशियो लिया कि नहीं लिया, यानी कि लेंथ ऑफ साइड ली कि नहीं ली साइड, तो लेंथ ऑफ साइड और एंगल ये होगी, लेंथ ऑफ साइड होगी कि नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री की, ये क्या होगा एंगल, इनके बीच में क्या रिलेशन है, यही बात क्या बताता है त्रिकोणीय मिति अनुपात बताता है। यानी कि त्रिकोणीय मिति अनुपात क्या होगा, आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिकोणीय मिति अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का, किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिभुज की भुजा के साथ में क्या संबंध है, ये बात बताता है जी। क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहां तक कोई डाउट जी आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखो जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है बड़ी, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये ले ली राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम मैं रख लेता हूं, इसका नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी। याद करो साइन ए कितना होगा, खुद से कैलकुलेट करके देखना, मैं आपको सीधी वैल्यू लिख देता हूँ साइन ए की वैल्यू कितनी होगी जी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बनेगा बी सी, हाइपोटेन्यूस बनेगा ए। यहां तक कोई डाउट? अब मैं क्या काम करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड बढ़ा लेता हूँ, अब बी डैश नाम रख लिया मैंने, इसका क्या नाम रख लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल बी डैश बढ़ा ली, इधर मैंने ट्रायंगल फिर बढ़ा ली, इसका नाम रख लिया सी डैश। अब मैं इस ट्रायंगल को भूल जाओ एक मिनट के लिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इससे अगर साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बनेगी, ये भूल जाओ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, तो क्या बनेगी आपकी बी डैश सी डैश, साइड ये आ जाएगी और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा ए सी डैश। आई बात समझ में? यानी कि एक बात बताओ, क्या साइन ए तो इस साइड साइन ए ही आएगा, अगर यहां 45 डिग्री होगा साइन 45 लिखोगे, यहां भी क्या लिखोगे साइन है 45 का, ये वैल्यू चेंज होगी, एंगल तो उतना ही रहा ना, तो साइन ए भी उतना ही रहेगा। यानी कि लेंथ कुछ भी बड़ी ज्यादा कर दो ट्रायंगल की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी नहीं बदलता, चाहे ट्रायंगल ऑफ साइड, चाहे इतनी छोटी ट्रायंगल ले लो तब भी उतनी वैल्यू आएगी, चाहे इतनी बड़ी ट्रायंगल ले लो तब भी उतनी ही वैल्यू आएगी। यानी कि ये नोट करके लिख लीजिएगा बात यहां पर, नोट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब सीधा सा है जी, हिंदी में मैंने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी कोण के त्रिकोणीय मिति, किसी भी कोण के त्रिकोणीय मिति अनुपात का मान त्रिभुज की भुजा की लंबाई बदलने के साथ नहीं बदलता। यानी कि त्रिकोणीय मिति का, त्रिकोणीय मिति किसी भी एंगल के त्रिकोणीय मिति अनुपात का मान
त्रिभुज की भुजा की लंबाई बदलने के साथ नहीं बदलता, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे लंबाई इतनी ले लो चाहे लंबाई इतनी लो, पर साइन ए हमेशा क्या रहेगा, साइन ए रहेगा, कोस ए हमेशा क्या रहेगा, कोस ए रहेगा जी। यहां तक कोई किसी को डाउट? ठीक है, इसके बाद आपका है एक टेबल बनानी और सीखलो जी सबकी बेटा। टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम पहले टेबल बनाते हैं आपकी, यहां से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूं, साइन कोस, साइन कोस टेन, क्या बनाते हैं हम, साइन कोस और टेन, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ज्यादा हो गया। साइन कोस और टेन, टेबल कहाँ कहाँ बनाएं, किस किस चीज के लिए वैल्यू लिखें, वो यहां लिख लेना। साइन कोस टेन लिख लोगे ऐसे एग्जाम में, कभी बनाने पड़ते हैं। एक 0 डिग्री की टेबल बनाएंगे, एक 30 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, एक हम 45 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, एक हम 60 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, और एक हम 90 डिग्री की वैल्यू बताएंगे। कैसे बताएंगे, तरीका देखो, गिनती लिखनी आती होगी, 0 से लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया सबको 4 से डिवाइड। कोई कट रहा है तो वो काट दो, ये तो 1 आ जाएगा, ये कट रहा है कितना आ जाएगा, 1/2, और नहीं कट रहा, बाकी जो आ गया आंसर उसका अंडर रूट ले लो, इसका भी क्या ले लो अंडर रूट, इसका भी क्या ले लो अंडर रूट, इसका भी क्या ले लो, काटने के बाद अंडर रूट ले लिया। अब वैल्यू सोल्व करके साइन में लिख दो, तो 0/कुछ करो हमेशा क्या रहता है, 0, और 0 का अंडर रूट भी कितना होता है, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 कहोगे, कितना होता है 0। अब बताओ 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1, 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, साइन के अंदर 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। आगे वाले का करो, 1 का अंडर रूट करोगे 1, 2 का अंडर रूट करोगे वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो साइन 45 का कितना आ जाएगा, वर्गमूल 1/2, 2। 60 का निकालो, 3 का क्या आ जाएगा, √3 यानी वर्गमूल 2। 4 का क्या आएगा, 2, 4 का कितना आ जाएगा, 2, तो साइन 60 का मान कितना होगा, साइन की टेबल बना रहे हैं, 60 का मान कितना होगा, √3/2, और 1 का रूट करोगे तो कितना आएगा 1। यहां तक कोई डाउट आपको, बना लोगे ऐसे। अब कोस में देखो, कोस में उल्टा लिखना शुरू कर दो, यहां से पहले 1, फिर क्या लिखना है, वर्गमूल 3/2, 2, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये पांचवे नंबर, कोई डाउट। अब 10 में क्या करना है जी, 10 में ऊपर वाली वैल्यू इसकी बटा ऊपर वाली वैल्यू इसकी, तो 0/1 करोगे तो 0/कुछ कर लो जी, आंसर आएगा 0, तो 10 0 कितना होगा, 0। ऊपर वाली वैल्यू इसकी कितनी है, 1/ इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, √3, इसके बटा में क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू ही लिखनी है, ऊपर वाली वैल्यू 1, ऊपर वाली वैल्यू बटा में लिख दो नीचे वाले की, तो 1/√3, 1/ ऊपर वाले की वैल्यू 1, नीचे भी कितना है 1, तो 1/1 कितना आएगा, 1, इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, √3 यानी √3, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली 1, तो 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 1/ इनफाइनाइट क्या होता है जी, नॉट डिफाइन, की मैथ में आज तक डिफाइन नहीं किया गया। इस टेबल से मतलब समझो, अगर आपको कोस 30 की वैल्यू पूछ रखी है, किसकी पूछ रखी है, कोस 30 की, तो कोस में जाओ 30 में जाओ, कोस में 30 में, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। कोस 60 की वैल्यू पूछ रखी है, कोस में चलो 60 की सिद्ध में ऊपर से आओ, 1/2, साइन में चलो 45, साइन 45 ये रहा, यहां आ जाएगा, तो इस तरह कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो साइन कोस टेन की आपने वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, कुछ नहीं करना। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, अगर इसके बटा कुछ नहीं है तो कितना मान सकते हो, 1, उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, तो उल्टा करना है, साइन का उल्टा कर दो, नॉट इनफाइनाइट, क्योंकि 0/ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है जी। ये बताओ ये कितना, 1/2, उल्टा कर दो तो क्या होगा, 2/1, तो 1/ में कभी नहीं लिखा जाता, 2 हो गया। ये कितना है, 1/√2, उल्टा करोगे सिर्फ कितना आ जाएगा, √2/1/1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3, 1/ कुछ नहीं तो कितना मानोगे, 1, और 1/1 कितना होता है, 1, इसका उल्टा कर दो, कोस का सिकेंट होता है, 1/1 कितना होता है, 1, इसका उल्टा करो 2/√3, इसका उल्टा करो साइन वाले कोस वाले का, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, इसका उल्टा करो 2/1,
तो दो, जीरो बटा कुछ नहीं तो एक मानोगे, एक जीरो बटा जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन बताओ, जीरो बटा कुछ नहीं तो एक, तो उल्टा करो नॉट इनफाइनाइट, सॉरी नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करो रूट तीन, एक का उल्टा करोगे तो एक ही रहेगा, वर्गमूल तीन बटा कुछ नहीं तो कितना मानोगे एक, तो क्या बन जाएगा एक बटा वर्गमूल तीन। और इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट है ना ये, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो एक बटा जीरो, उल्टा करो तो जीरो बटा एक यानी कि जीरो। तो ये होगी आपको साइन जीरो डिग्री की, तीस डिग्री की, किसी की पैंतालीस डिग्री की, साठ डिग्री की और नाइन्टी डिग्री की। साइन वाली देखनी है तो साइन वाले में चलो सिर्फ, कोस वाली देखनी है सिर्फ कोस वाली में चलो, टेन वाली देखनी है सिर्फ टेन वाली में चलो, कोसिकेंट वाली देखनी है सिर्फ कोसिकेंट वाली में चलो, सिकेंट वाली देखनी है सिर्फ सिकेंट वाली में चलो, कोट वाली देखनी है सिर्फ कोट वाली में चलो। तो ये होगी जी टेबल निकालनी आपको, किसी भी एंगल की अगर टेबल निकालनी पड़ जाए तो निकाल सकते हो जी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी कल हम आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक कम्प्लीट हो गया जी। ठीक है, चलो एक बार आपको रिवाइज कर लेते हैं फार्मूले, फार्मूले भी जो हमने रिवाइज करे थे वो बता देता हूँ फटाफट आपके। यहाँ पर कल बताया था साइन थीटा किसके बराबर होता है, एक बटा कोसिकेंट थीटा, एक फॉर्मूला ये बताया था, एक बताया था कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, एक बटा साइन थीटा के। कल वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया था कैसे आया, एक वैल्यू बताई थी कोस थीटा एक बटा सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एक बटा कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा एक बटा टेन थीटा, टेन थीटा एक बटा कोट थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और भी बताया था हमने, क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, सॉरी सॉरी जी, कोट थीटा का क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले होंगे हैं जी आपके कल वाले। ठीक है, इसके अलावा और फॉर्मूले क्या बताए थे कल, एक बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, याद होगा, या फिर इसी से एक फॉर्मूला और बनाया था सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। एक फॉर्मूला और बताया था आपको वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसी से एक फॉर्मूला और बनाया था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूले हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी एस सी टी पी बी पी बटा एच एच बी। ठीक है, एस सी टी क्या था पी बी पी बटा एच एच बी, और हिंदी मीडियम वालों की अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए क्या था एस सी टी लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहां से याद कर सकते हैं एस स्टैंड फॉर साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, कोस किसके बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। इसी तरह लंब बटा कर्ण हो गया साइन, कोस हो गया आधार बटा कर्ण और टेन हो गया आपका लंब बटा आधार। तो ये थी जी आपकी कल इंट्रोडक्शन की वीडियो, इसी के साथ ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। कल से हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे जी। अगर फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसके ऊपर कमेंट जरूर करें, अगर आपको कुछ चीज की कमी लग रही है तो कमी भी जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है जी, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जरूर जुड़े जी। टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लेना पवन सारन सर के नाम से चैनल होगा, उसके ऊपर जुड़ो ताकि वहां पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए, ऐसी कुछ चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी जी। ठीक है, तो इस चैनल से जरूर जुड़े जी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने आसपास के बच्चों के पास ताकि सबको फायदा मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।